मुकेश पंडित जी हैं और हम पूछेंगे आज क्या कार्यक्रम और क्या रणनीति तैयार की गई है। आज जो हमारी जहांगीराबाद में मीटिंग है माननीय जिलाध्यक्ष श्री मतलूबा जी के नेतृत्व में परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी 1 अक्टूबर को परम सदस्य श्री नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति का अनावरण है यहाँ पे मोहना में, और ये हिंदुस्तान में शायद पहली मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। तो हमारा ये अनुशेर क्या पूरे जनपद से अनुरोध है कि माननीय राष्ट्रीय श्री अखिलेश यादव जी को सुनने के लिए वहाँ जनसभा का एक आयोजन भी है, अधिक से अधिक लोग पहुंचे और उनका जो है संबोधन सुना जाए। अच्छा विधायक जी, लग पा रहा है कि 2027 का चुनाव इसी कड़ी में तय हो पा रहा है? नहीं, निश्चित होगा। उत्तर प्रदेश में 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर बनेंगे, ये मेरी आज आप नोट कर लीजिए इस बात। विधायक जी ने बताया है कि 2027 की बिल्कुल बच चुका है क्या? और ये देखिए, मैं एक विपक्ष को कहना चाहता हूँ कि जब किसी की आप बराबरी नहीं कर सकते तो बदनामी शुरू कर देते हैं, ये लोगों का काम है। अच्छा विधायक जी, एक सवाल हो रहा है और मैं एक और भी आपको, जवानी जंग में समझौता नहीं करती, भयंकर काल भी हो तो हम उसको भी काट लेते हैं, ये भी आप मेरा वक्त नोट कर लेना है। अच्छा सत्ता कहते हैं क्योंकि आप लाल टोपी लगाते हैं, लाल टोपी में बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं, क्या कहना चाहते हैं? सब नेताजी की देन, बहुत कुछ छिपा हुआ और रहेगा, सब लोगों के सही होगा। धन्यवाद। क्या कहना चाहते हैं इन तैयारियों को 1 अक्टूबर को जो महाना 1 अक्टूबर की जो ऐतिहासिक अनुसार से भीड़ जाने का निर्णय रहेगा, और हर जाति के लोगों का समाजवादी ने जो इस वक्त विचारधारा जो पीडीए की विचारधारा है उसे लगभग विधानसभा क्षेत्र अनुक्षण में कंप्लीट कर लिया, और जो संगठन बना है उसमें हर बिरादरी का आदमी जो है विधानसभा में है, तो इसलिए पीडीए कामयाब होगा और विधानसभा भी जीतेगी। हुसैन भाई क्या कहना चाहते हैं? आज देश बड़े संगीन हालात से गुजर रहा है, युवा बेरोजगारी से परेशान है, अखिलेश यादव जी युवाओं के आइकॉन है, उनको युवा अपना आइडियल मानकर चल रहा है। जहाँ मोहना में इंटर कॉलेज में अखिलेश जी तशरीफ ला रहे हैं, उस इंटर कॉलेज की स्थापना में, 24 की सड़कों की स्थापना में मेरे दादा शहीदुल हसन साहब का बड़ा रोल है। जी जी जी, तो हमारा पुराना 24 से बहुत लगाव है, उनका बहुत स्वागत है, बहुत भारी तादाद में यूथ और पीडीए के लोग वहां पहुंचेंगे और अखिलेश जी को सुनना चाहेंगे। चलिए हमारे साथ हुसैन जी, फजल भाई क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि सारा कुछ आपके ही नेतृत्व में हो पा रहा है। हमने अभी अध्यक्ष जी से बात की थी पिछले 3-4 दिन पहले, उसी के निमित्त अध्यक्ष जी ने पूरे जिले में मीटिंग रखी है अपने हर विधानसभा क्षेत्र पे, तो आज अनूपचर विधानसभा क्षेत्र में आए हैं, यहाँ के कार्यकर्ताओं से बात की है और सभी को हमने रिक्वेस्ट की है कि सभी लोग 1 तारीख को भारी तादाद में दयानंद 24 सेंटर कॉलेज पर पहुंचे और नेताजी के इस मूर्ति अनावरण के प्रोग्राम के साक्षी बने। हमारे साथ जिला अध्यक्ष है मतलूबा अली जी, वो पूछेंगे किस तरीके की आज रणनीति बनी है आने वाले 1 अक्टूबर को, जो की सपा मुख्य अखिलेश यादव 24 में आ रहे हैं। हाँ, देखिए उसी सिलसिले में आज हम पहले सियाना विधानसभा में थे और फिर अब अनुपचर विधानसभा के जो हमारे सीनियर लोग हैं पूर्व विधायक आदरणीय होशियार सिंह जी और ये विनोद भाई के आवास पे ये मीटिंग हुई है, और सभी इसमें अनुपचर के विधायक, पूर्व विधायक, पूर्व अध्यक्ष, जिले के जो चुनाव लड़े हैं, नगर अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष, सभी लोग उपस्थित हुए, और ये लक्ष्य दिया गया है कि 3000 लोग अनुसर विधानसभा से 1 अक्टूबर को मोहना इंटर कॉलेज, दयानंद 24 इंटर कॉलेज में पहुंचने हैं। और जो आज यहाँ उत्साह है और देखने को मिला है, लोगों ने जिस तैयारी के साथ बात की है, उम्मीद है कि 3000 से भी ज्यादा लोग वहां पहुंचेंगे और माननीय स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा के अनावरण में
साक्षी बनेंगे। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है जनपद के लिए कि प्रदेश में पहली प्रतिमा का अनावरण राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं आके कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी, उसमें भागीदारी अनुसार की मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा हो। ऐतिहासिक बताने जा रहे हैं कार्यक्रम जो होने जा रहा है, अखिलेश यादव जी का क्या कहना चाहते हैं विधायक जी? एक हम सब लोग संगठित होकर पूरे जिले के लोग माननीय अपने जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कम से कम विधानसभा अनुपक्ष से जो तय हुआ लक्ष्य 3000 लोग से ज्यादा ही पहुंचने का पूरा कार्यक्रम है। हमारे जैसा नेता माननीय मुलायम सिंह जो आज हमारे बीच में नहीं है, ऐतिहासिक काम किया था। रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने जो शहीदों को जो पहले सिर्फ कपड़े आते थे उन्होंने तय किया था कि जो हमारा शहीद होगा उसको 10 लाख का चेक मिलेगा और डीएम कप्तान उसकी अगवानी करेंगे। ऐतिहासिक काम किया है तो ऐसे नेता के मूर्ति के लिए हम लोग घर घर से जाएंगे और भारी भीड़ जुटा करेंगे। भाई साहब कह रहे हैं कि बुलंदशहर में ही हिंदुस्तान में पहली मूर्ति मुलायम सिंह यादव जी की लगाई जा रही है, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत ही गर्व की बात है कि पूरे जिले पूरे हिंदुस्तान में बुलंदशहर जिले में आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा लगाई गई है और इसका अनावरण जो है वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी करेंगे 1 तारीख को। और ये जो है नेताजी मुलायम सिंह यादव जो थे वो हिंदुस्तान के बड़े नेता थे, हर वर्ग के नेता थे और खासकर हमारे जो मुस्लिम कौम है उनको उनके लिए उन्होंने बहुत काम किया है फिदा। और जैसे अभी हमारे बगल में साखनी जो है उर्दू अनुवादक के उस पर और मास्टरी में सबसे ज्यादा जिले के अंदर जो मुस्लिम लगाए हैं वो आहार के लगे हैं और उनके उनकी उन्हीं के पत्तियों पर चलकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये आ रहे हैं, उनका इस जिले में स्वागत किया जाएगा और पूरे जिले से 10,000 से ज्यादा आदमी उनका स्वागत में वहां खड़े रहेंगे। चलो बताया अक्सर जी ने कि गहरा नाता रहा है मुलायम सिंह यादव जी का, मूर्ति अनावरण होने जा रही है, सबको बधाई देना चाहते हैं कि सब ऐतिहासिक बनाना है इस कार्यक्रम को, भारी से ज्यादा भीड़ पहुंच रहे हैं। चलिए मेरे साथ।